पाकिस्तान में मेरी रीच तक नहीं पहुंची, इट मींस कि यार अभी तक उस तरह से उस पर वर्किंग नहीं हुई। होंगे लोग, बहुत कामयाब लोग होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरी रीच तक नहीं आया क्योंकि उनको सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। इंडिया इस चीज को सेलिब्रेट करता है और वो हमसे आगे निकल जाता है। हालांकि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कश्मीरियों को, और बेसिकली जो यूएन है ना, अब इनको पता है जो यूएन की इंसानी हकूक फॉर्म है ना, जो वो इस चीज पे आवाज उठा रहा है, उनको लॉलीपॉप देने के लिए, उनको दिखाने के लिए जी हम तो इनका बड़ा ख्याल रख रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसके अंदर हम लोगों ने ले लिया उसको, कश्मीर के प्लेयर्स को, ये तासुर दिया जा रहा है। और उधर आप देखें, मुसलमान जो मर्द हैं उनको भी अपना बिजनेस रन करना पड़ता है, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ पैसा चलता है, पैसा दें और अपनी जगह बनाएं, वहाँ पे जो भी होता है वो टैलेंट के लिहाज से आता है। और डेफिनेटली इन्होंने टैलेंट देखा होगा तो उनके सिलेक्शन की होगी ना, जाहिर सी बात है, टैलेंट होगा तो सिलेक्शन की है। उसके अलावा उनको उनके हक भी दिए जा रहे हैं, ये भी अपना तरफ से वो अपना पॉजिटिव प्लस व्यू लेना चाह रहे हैं। सिर्फ मैं आपको बताऊं, पंजाब वाहद सूबा है पूरे मुल्क में जिसमें हर एक को तहफ्फुज़ है मिनोरिटी में, कोई तीनों सूबों में से किसी कोई भी तीन सूबों में तहफ्फुज़ नहीं, ऐसा तहफ्फुज़ है ही नहीं। पंजाबी सिंध में जाके महफूज नहीं है अगर किसी के साथ अटैच नहीं होता। हमने आजाद करवा के करना क्या, उसके भी हालात हमने पाकिस्तान जैसे या आजाद कश्मीर जैसे करने हैं। हमने उसका पहली तो बात है अचार डालना है, क्योंकि हाँ, क्योंकि बलोचिस्तान को आप कभी भी स्टेबल कर नहीं पाए, आप केपीके को स्टेबल कर नहीं पाए, आप कभी जनूबी पंजाब को स्टेबल कर नहीं पाए। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में अब जहाँ पे जनूबी पंजाब के साथ बलोचिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से गैस निकलती है जनूबी पंजाब में। नहीं, सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट्स है ना, सिविल राइट्स है, वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम से आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसके साथ बेहतरी हो रही होगी। वहाँ पे तो मेल डोमिनेंस भी इतनी ज्यादा, जो आईपीएल होने जा रहा है उसके लिए ज्यादातर प्लेयर्स की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज़ 100 के ऊपर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आईपीएल 2023 का ऑक्शन अभी ख़त्म हुआ है, तो इस ऑक्शन में जम्मू कश्मीर के 21 खिलाड़ियों की सिलेक्शन हुई है, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया को शौक लग गया है। तो इस आज का वीडियो इसी पर है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 प्लेयर ऑक्शन में जम्मू कश्मीर के 21 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। चुने गए 21 खिलाड़ियों में 14 तेज गेंदबाज है। वह पहली बार है कि जम्मू कश्मीर के पास आईपीएल नीलामी के 2023 संस्करण में सबसे अधिक चयनित खिलाड़ी हैं। विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों द्वारा आयोजित ट्रायल में कई गेंदबाज पहले ही भाग ले चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अगस्त के घाटी में एक काउंसलिंग कैंप आयोजित किया था और टैलेंट हंट्स में चुने गए कुछ लोगों को बाद में अक्टूबर में मुख्य ट्रायल के लिए बुलाया गया था। इस बीच कुछ रिपोर्ट बताती है कि गुजरात लायंस और मुंबई इंडियन ने भी जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाजों का ट्रायल किया है। दोस्तों आपको बता दें कि वारिस बशीर और शाहरुख डार ने आईपीएल के 2022 संस्करण में पंजाब किंग्स और एसआरएच के लिए नेट गेंदबाज के रूप में खेला है। कथित तौर पर कई आईपीएल काउंसलिंग ने हाल ही में मुश्ताक अली टूर्नामेंट और विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ क्रिकेटरों को खेलते हुए देखा। आपको बता दें कि चुने हुए खिलाड़ियों का नाम कुछ इस प्रकार है: सुमन खजूरिया, विवरांत शर्मा, मुजतबा यूसुफ, आबिद मुश्ताक, इदबीर चरक, वसीत वसीर, रौशिक डार, वसीम खाड़े, अविनाश सिंह, अमन शर्मा, फाजिस मकाया, आतिफ सैनी, शाहरुख डार, लोन मुस्तफा, ओविक डार, असद जमील अहमद, आशीष भट्ट, गौरव कौल, राजीव सिंह, मोहम्मद वसीम एंड संपर्क गुप्ता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तानी इस पर। जो सिलेक्शन की गई है वो जम्मू कश्मीर से की गई है। इस दफा 21 खिलाड़ियों को जो है जम्मू कश्मीर से सेलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है आईपीएल 2023 के लिए। क्या कहेंगे इसके पीछे, आपको क्या वजह नजर आती है, क्योंकि ऑलरेडी एक मुस्लिम बॉय जो है उमरान मलिक इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उधर ऐसा, क्या आप देखे ना पिछले दिनों एक इशू उठा हुआ था बुर्का पहनने के ऊपर, कॉलेज का एक इशू जी, बिल्कुल ऐसी है। तो उधर तो मुझे ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स भी इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा कि उन्हें मुसलमान जो खवातीन हैं उनको अपने मजहब के मुताबिक आजादी हो के वो अपने मजहबी फराइज जो है वो। मेरे ख्याल से जो हमारे हिस्से में कश्मीर है ना वो उनसे बेहतर है। अच्छा। जो हमारे हिस्से में कश्मीर आज़ाद कश्मीर, वहाँ क्या है,
वहाँ पे क्या, यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिया गया, तो आप कश्मीर की बात करें कि जो जम्मू कश्मीर है उनको क्या दिया गया, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, क्या चीज़ है जो यहाँ पे स्टेबल है, कोई एक सिंगल चीज़ बता दें। अच्छा, हम बात करते हैं कि हमने जो है मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना है, हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। मेरा सवाल ये है कि हमने आज़ाद करवा के करना क्या, उसके भी हालात हमने पाकिस्तान जैसे या आज़ाद कश्मीर जैसे करने हैं? हमने उसका पहले तो बात है अचार डालना है। अच्छा। क्योंकि बलोचिस्तान को आप कभी भी स्टेबल कर नहीं पाए। हाँ। आप KPK को स्टेबल कर नहीं पाए, आप कभी जनूबी पंजाब को स्टेबल कर नहीं पाए। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ पे जनूबी पंजाब के साथ बलोचिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से गैस निकलती है, जनूबी पंजाब में गैस नहीं है। हाँ। यहाँ पे आता है ऊपर जाता है वहाँ पे गैस नहीं है। बलोचिस्तान में पढ़ाई का निज़ाम देखें, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, उनके पास टाट भी नहीं होता नीचे बिछाने के लिए कुछ भी। वहाँ पे आपके पास पूरी फैकल्टी भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं जाते वहाँ पे, हर रोज़ वहाँ पे बम धमाके ये वो फायरिंग हर चीज़ है वहाँ पे। तो जब आप उसको स्टेबल नहीं कर पाए, यहाँ पे आप अपनी करेंसी को स्टेबल नहीं कर पाए, किसी भी चीज़ को स्टेबल नहीं कर पाए, तो एक ज़मीन का टुकड़ा लेके आपने क्या करना है उसको? नहीं, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, हमें उन लोगों को राइट्स देने हैं या नहीं, ये बात की बात है। पहले उन लोगों को एजुकेट करना है कि उनके राइट्स हैं क्या, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या। पिछले दिनों अलकायदा ने भी एक स्टेटमेंट दी कि हमें इस चीज़ को अब एडमिट कर लेना चाहिए, हमें अब इस चीज़ का एतराफ कर लेना चाहिए कि इंडिया जो है वो कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो गया है। क्या आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं? अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनोरिटीज़ की कंडीशन और इंडिया में जो मिनोरिटीज़ हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसकी कंडीशन में कहाँ पर ज़्यादा राइट मिल रहे हैं? जी, पाकिस्तान में ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं। आप कोई नाम नहीं बता सके, लेकिन फिर भी नहीं सर, वो आप जर्नल देखे ना बात। मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई एक नाम सर, नाम मैं तो नहीं, सॉरी, मेरे बिल्कुल एडमिट करते हैं, क्योंकि इंडिया हम लोगों से बहुत आ गया है। दुनिया की बहुत बड़ी सारी जितनी भी कंपनीज उठा के देख लेना, उनके जो 70% CEOs हैं वो इंडियंस हैं, वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान, वो इस चीज़ से थोड़ा सा बालातर होके सोचते हैं। उनका अपना जो एक जो रूट लेवल है वो हर चीज़ का बहुत आला है। उनकी आप इंग्लिश चेक कर लें, उनकी किसी भी चीज़ में आप उनकी मार्केटिंग देख लें या उनकी अपनी डिजिटल मार्केटिंग देखें, हर चीज़ में वो हमसे बहुत आगे हैं, तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हमने हमेशा इंडिया की किसी भी चीज़ को जो है वो तनकीद का निशाना ही बनाया है, वो चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे। हम ये की बात कहते हैं कि इंडिया जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है वो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान की राह में जो है रुकावटें हायल करता है। मैं सिर्फ अभी इस चीज़ की, ये जो अभी हम जिस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं इसी पर बात करना चाहूँगी कि IPL में या इंडियन क्रिकेट टीम में जिस तरह से मुस्लिम खिलाड़ियों को जगह दी जा रही है, खेलने के मौके फराहम किए जा रहे हैं, क्या PSL में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपको कोई एक हिंदू प्लेयर खेलता हुआ नज़र आ रहा है? हिंदू को तो छोड़ें, आप पाकिस्तान की तारीख उठा लें तो उसमें एक यूसुफ यूहन्ना थे, जो मोहम्मद यूसुफ हैं वो एक आए हैं। हमारे जो एक 14 नुकात हैं कहते हैं उसमें अकलियतों को तहफ़ दिया जाए, कहाँ पे है? अब यहाँ पे हमारी जो क्रिश्चियन आबादी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदू, जो नॉन मुस्लिम है क्रिश्चियन ज़्यादा है, तो उसमें से कोई, अब वो सारे इतने नाअहल हैं कि उसमें से एक प्लेयर भी किसी टीम में नहीं आ सकता सिवाय एक के, से मोहम्मद यूसुफ जो थे जो बाद में मुसलमान हुए सिर्फ वही अहल थे, बाकी उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो खेल सकता हो, आप ये देखें ना। और दूसरी बात है, यहाँ पे मेरिट का कत्लेआम है, हर बंदे को पता है कि वो देखे ना, हम इंडिया में पिछले दिनों वो स्कॉ वाला हर एक की जुबान पे वही है। उसके अलावा उसका इशू भी, वो भी कंप्लीट इशू ये था कि वो किसी मतलब कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म में बोला था कि शायद आप ये स्कॉ नहीं। सर, यूनिफॉर्म को छोड़े ना, आप वैसे उधर गुजरात के हालात देख लें और बहुत सारे ऐसे मामला हैं, उधर प्रोटेक्शन नहीं है। जो इंतहा पसंद हिंदू है वो तो किसी सूरत भी उनको नहीं कबूल करते, जिस तरह इधर उनको मजहबी आज़ादी है पाकिस्तान में, जिस तरह मिनोरिटी को मजहबी आज़ादी है उधर हरगिज़ नहीं है मजहबी।